हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू सो सोगा जैसा कि आज जो आपका एमपी पुलिस कांस्टेबल का 11 जनवरी का सभी शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100 परसेंट एकूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज, आज आपके ग्यारह जनवरी के सभी शिफ्टों का एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं उससे पहले एक बात और दोस्तों कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एम पुलिस से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बगल में ही आपका एक बेल आइकन यानी नि, घंटे का निशान भी दिख रहा होगा तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा तो चलिए वीडियो कॉल स्टार्ट करते हैं तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि चीन का अंतिम राजवंश कौन सा था तो देखिए चीन का जो अंतिम राजवंश था ना ये किंग या फिर छिंग राजवंश था तो किंग राजवंश आपका करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि छिंदवाड़ा कॉलेज का नाम बदलकर ये जो है क्या कर दिया गया है तो देखिए हाल ही में छिंदवाड़ा कॉलेज का नाम बदल कर जो है ये शंकर साहब विश्वविद्यालय कर दिया गया है तो शंकर साहब विश्वविद्यालय आपका करेक्ट होगा नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि विश्वनाथन का संबंध ये जो है किस खेल से है तो देखिए विश्वनाथन आनंद का जो संबंध है ना ये भारतीय शतरंज खिलाड़ी है तो शतरंज खिलाड़ी आपका करेक्ट आंसर होगा या फिर विश्वनाथन आनंद से जो है कुछ और भी प्रश्न जो आपका पूछा गया था नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि इंदिरा गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना ये जो है कब हुआ था तो देखिए इंदिरा गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय की जो स्थापना है ना ये 2007 में हुआ था और ये कहाँ पर है तो ये अमरकंटक में है तो 2007 आपका करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि सांची बौद्ध विश्वविद्यालय की आधारशिला जो है किस देश के प्रधानमंत्री ने की थी तो देखिए सांची बौद्ध विश्वविद्यालय की जो आधारशिला है ना ये भूटान के प्रधानमंत्री जिग्मे वाय थिनले ने किया था और कब किए थे तो ये 2012 में किए थे तो ये भी आपको ध्यान में रखना है तो भूटान का प्रधानमंत्री आपका करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट स्टाप का यहाँ पर आया था कि मध्य प्रदेश में प्लास्टिक पार्क ये जो है कहाँ पर स्थित है तो देखिए मध्य प्रदेश में जो प्लास्टिक पार्क है ना यह आपका तमोट रायसेन में स्थित है तो तमोट आपका करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट स्टॉप का यहाँ पर आया था कि नीलकंठ महल ये जो है कहाँ पर स्थित है तो देखिए ये जो नीलकंठ महल है ना यह आपका मांडू में स्थित है तो मांडू आपका करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भारत की सीमा सबसे ज़्यादा जो है ये किस देश से लगता है तो देखिए भारत की जो सीमा है ना ये सबसे ज़्यादा बांग्लादेश से जो है लगता है तो बांग्लादेश आपका करेक्ट होगा नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि मरियपन थंगावेलू का संबंध ये जो है किस खेल से है तो देखिए मरियपन थंगावेलू का जो संबंध है ये ऊँची कूद यानी एथलेटिक्स से है तो एथलेटिक्स आपका करेक्ट होगा बात कर ले फर्स्ट सिट में आपका पूछा गया था कि वनडे क्रिकेट का पहला कप्तान कौन थे तो ये अजीत वाडेकर थे तो अजीत वाडेकर आपका करेक्ट होगा नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि नावरेज जिसे नौका दौड़ भी कहा जाता है ये जो त्यौहार है ना ये किस राज्य में होता है तो देखिए ये जो नौका दौड़ त्यौहार है ये आपका केरल राज्य में होता है और किस त्यौहार में जो ये नौका दौड़ किया जाता है तो ये केरल के ओणम त्यौहार में जो है किया जाता है तो ये भी आपको ध्यान में रखना है अगला प्रश्न आपका यहाँ पर आया था कि नेपानगर पेपर मिल की स्थापना ये जो है कब हुआ था तो देखिए नेपानगर पेपर मिल की जो है स्थापना है ना ये 1947 में हुआ था और ये कहाँ पर है तो ये आपका बुरहानपुर में स्थित है ओलंपिक में महिलाओं को कब सम्मिलित किया गया था तो देखिए ओलंपिक में महिलाओं को जो है ये उन्नीस में जो है सम्मिलित किया गया था और कौन से ओलंपिक में अगर बात कर ले तो ये पेरिस ओलंपिक में जो है सम्मिलित किया गया था नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि तुलसीदास मेला ये जो है कितने दिनों तक लगता है तो देखिए इसके आंसर मुझे नहीं पता है किसी भी कैंडिडेट्स को अगर इसका आंसर पता है वो कमेंट करके बता सकते हैं नेक्स्ट आपका जागेश्वरी का मेला ये जो है कहाँ पर लगता है तो ये आपका चंदेरी में लगता है उदयगिरी की गुफाएँ ये जो है कहाँ पर स्थित है तो ये आपका विदिशा में स्थित है नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि आई एस ओ प्रमाणित मध्य प्रदेश का नेशनल पार्क कौन सा है तो देखिए ये जो वन बिहार है ना ये आई एस ओ से प्रमाणित है और ये मध्य प्रदेश का नेशनल पार्क है तो वन बिहार आपका करेक्ट आंसर होगा आदमगढ़ की गुफाएं ये जो है कहाँ पर है तो ये आपका होशंगाबाद में है तो होशंगाबाद आपका करेक्ट होगा गंध सॉरी गंधर्वपुरी संग्रहालय ये जो है कहाँ पर स्थित है तो ये आपका देवास में स्थित है तो देवास आपका करेक्ट आंसर होगा अगला प्रश्न आपका यहाँ पर आया था कि किट भच्छी पौधा ये जो है कौन सा है जहाँ पे ऑप्शन में आपका यूटू यूटी क्यूलेरिया दिया हुआ था तो देखिए ये जो यूटी क्यूलेरिया है ना ये आपका किट भच्छी पौधा है तो यूटी क्यू कु, आपका करेक्ट आंसर होगा नीला ग्रह ये जो है किसे कहा जाता है तो ये पृथ्वी को कहा जाता है नेक्स्ट स्टाप का यहाँ पर आया था कि मटर का जो है वैज्ञानिक नाम पूछा गया था तो पाइसम सेटिव ये जो है, है मटर का वैज्ञानिक नाम होता है नेक्स्ट स्टॉप का यहाँ पर विटामिन बी फाइव का जो है रासायनिक नाम पूछा गया था तो देखिए विटामिन बी फाइव का जो रासायनिक नाम होता है ना वो पेंटोथेनिक एसिड यानी पेंटोथेनिक अम्ल होता है तो पेंटोथेनिक अम्ल आपका करेक्ट होगा नेक्स्ट स्टाप का यहाँ पर आया था कि चेचक का जो है वायरस पूछा गया था तो देखिए ये जो आपका वेरियोला है ना ये चेचक का वायरस है वायरस की खोज ये जो है किसने की थी तो देखिए वायरस की जो खोज है ना ये इवा नोवेशकी के द्वारा किया गया था तो ईवा नवेशकी आपका करेक्ट आंसर होगा टेस्टोरिन हार्मोन से क्या निकलता है तो ये आपका वृषण निकलता है नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि एड्रिनल ग्रंथि ये जो है कहाँ पाया जाता है तो देखिए ये जो एड्रिनल ग्रंथियाँ होती है ना ये आपका किडनी में पाया जाता है तो किडनी आपका करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि सहजीवी का एक उदाहरण पूछा गया था जहाँ पर ऑप्शन में आपका लाइकेन हुआ था तो देखिए ये जो लाइकेन है ना ये सहजीवी का जो एक है एक उदाहरण है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहां पर लवलीना बोर्गेहन ये जो है किस खेल से संबंधित है तो देखिए लवलीना बॉर्गेहन जो है ये आपका बॉक्सिंग यानी मुक्केबाजी खेल से संबंधित है तो मुक्केबाजी आपका करेक्ट आंसर होगा बात कर ले इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में तो देखिए लवलीना बॉर्गेहन ये जो है टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो है ये कान से पदक जीती थी और बात कर ले इनका संबंध किस राज्य से है तो ये असम राज्य की रहने वाली है नेक्स्ट स्टाप का यहाँ पर आया था कि होसंग शाह का मकबरा ये जो है कहाँ पर स्थित है तो देखिए ये जो होसंग शाह का मकबरा है ना ये आपका मांडू में स्थित है तो मांडू आपका करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट स्टाप का यहाँ पर आया था कि, हाँ कि रामलीला का मेला ये जो है कहाँ पर लगता है तो देखिए रामलीला का जो मेला है ना ये आपका ग्वालियर और दतिया दोनों जगह पर लगता है तो आपके ऑप्शन में या तो ग्वालियर दिया होगा या फिर दतिया दिया होगा तो इन दोनों में से जो भी दिया होगा ना वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर आया था कि भीम बेटका से जो आपका एक प्रश्न पूछा गया था एग्जैक्टली exactly बच्चों के द्वारा मुझे नहीं पता चला कि क्या पूछा गया था जैसे कि भीम बेटका की गुफा कहाँ पर है तो ये आपका रायसेन जिला में स्थित है बात कर ले इसमें कितनी गुफाएं हैं तो पंद्रह गुफाएं हैं इसके बाद अगर बात कर ले कि इसका खोज किस वर्ष किया गया था तो देखिए भीम की जो खोज है ना ये वर्ष उन्नीस सौ में किया गया था किसके द्वारा किया गया था तो ये डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर के द्वारा किया गया था वहीं अगर मैं बात कर लूँ भीम को यूनेस्को में कब शामिल किया गया था तो इसे जो है दो में शामिल किया गया था और आई थिंक जो आपका यही क्वेश्चन पूछा गया था कि भीम की गुफा को जो है यूनेस्को में कब शामिल किया गया था तो 2003 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं तो देखिए भारत में कुल जो है आठ शास्त्रीय नृत्य तो है तो आठ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा इससे पहले आपका एग्जाम में पूछा गया था कि कौन सा ऐसा राज्य है जहां दो शास्त्रीय नृत्य है तो देखिए केरल का एक ऐसा राज्य है जहाँ पर जो है दो शास्त्रीय नृत्य है तो केरल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि भरतनाट्यम ये जो है किस राज्य का नृत्य है तो ये आपका तमिलनाडु का है कथक के बारे में अगर पूछा जाए तो कथक जो है ये आपका उत्तर प्रदेश का है कथक कली अगर पूछा जाए तो ये आपका केरल का है कुचिपुरी के बारे में अगर पूछ लिया जाए तो ये आपका आंध्र प्रदेश राज्य का है मणिपुरी के, तो के बारे में अगर पूछा जाए तो ये मणिपुर राज्य का है ओडिशी के बारे में अगर पूछा जाए तो ये आपका उड़ीसा राज्य का है वहीं अगर क्षत्रिय नृत्य के बारे में पूछा जाए तो ये आपका असम राज्य का है मोहनी अटम के बारे में अगर पूछा जाए तो ये आपका केरल राज्य का है तो ये जो आपके आठ जो है टोटल शास्त्रीय नृत्य हैं नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि जी ट्वेंटी सम्मेलन 2021 ये जो आपका कहां पर हुआ है तो देखिए जी ट्वेंटी शिखर सम्मेलन 2021 जो है ये आपका इटली के रोम में आयोजित किया गया था तो इटली का रोम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बात कर ले जी ट्वेंटी की स्थापना कब हुआ था तो ये आपका 26 सितंबर 1999 को हुआ था बात कर ले पंद्रवा जी ट्वेंटी शिखर सम्मेलन जो कि आपका 2020 में हुआ था वो कहाँ पर हुआ था तो ये आपका सऊदी अरब में आयोजित किया गया था वहीं अगर 2022 की पूछ ले दो 2022 में कहां पर होगा तो ये आपका इंडोनेशिया में होगा और बात कर ले जी शिखर सम्मेलन भारत इसकी मेजबानी कब करेगा तो दो में करेगा तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान जो है यूनेस्को की सूची में है तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में तीन जो है आपके विश्व धरोहर स्थल हैं और दो जो है आपके विश्व धरोहर शहर हैं तो अगर शहर के बारे में पूछा गया होगा तो शहर में आपका कौन कौन सा है तो ग्वालियर और ओरछा आपका करेक्ट आंसर होगा वहीं अगर विश्व धरोहर स्थल के बारे में अगर पूछा गया होगा तो देखिए विश्व धरोहर स्थल तीन कौन कौन से हैं तो एक तो आपका भीम हो गया इसे जो है कब शामिल किया गया था तो दो में शामिल किया गया था वहीं सांची का स्तूप के बारे में अगर पूछा गया होगा तो सांची का स्तूप को जो है उन्नीस में शामिल किया गया था उसके अलावा थर्ड जो है आपका खजुराहो है जो कि उन्नीस में जो है इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट आपका यहाँ पर एक प्रश्न आया था जो कि अस्पष्ट रूप से मिला है कि आईसीसी का पहला क्रिकेट कप्तान कौन था जो भी बच्चा अगर एग्ज़ाम देकर आए हैं तो एग्जैक्टली क्या प्रश्न पूछा गया था ये जो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि काली अटम नृत्य ये जो है कहाँ से संबंधित है यानी किस राज्य से संबंधित है तो देखिए ये जो काली अटम नृत्य है ना ये आपका आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर मोहम्मद खान के आ, से आपका जो है सवाल पूछा गया था एग्जैक्टली exactly, जो है बच्चों के द्वारा मुझे पता नहीं चला है कि मोहम्मद खान के बारे में जो है क्या पूछा गया था नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि मध्य प्रदेश का कौन सा जिला जो है सरसों उत्पादक है तो देखिए मध्य प्रदेश का जो ये आपका मुरैना जिला है ना ये सरसों उत्पादक ज़िला है तो मुरैना आपका करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि रवि रविधैया ये जो है किस खेल से संबंधित है तो देखिए रवि रविधया का जो संबंध है ये फ्री स्टाइल कुश्ती खेल से है तो फ्री स्टाइल कुश्ती आपका करेक्ट आंसर होगा बात कर ले इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में तो रवि रविधैया को जो है 2020 टोक्यो ओलंपिक में इन्हें जो है रजत पदक जो है वो दिया गया था यानी जो है टोक्यो ओलंपिक दो में जो है ये रजत पदक जीते थे अगर बात कर ले इनका संबंध किस राज्य से है तो ये हरियाणा राज्य के रहने वाले वाले हैं नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि वनडे क्रिकेट का पहला कप्तान कौन था तो ये बिशन सिंह बेदी थे भारत का सबसे पहला अगर कप्तान पूछा जाए तो ये आपके सी के नायडू थे भारतीय क्रिकेट टीम के पहले वनडे कप्तान अगर पूछा जाए तो ये अजीत वाडेकर थे तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि शहीदों का मेला ये जो है कहाँ पर लगता है तो देखिए ये जो शहीदों का मेला है ना ये आपका सनावत खरगोन में लगता है तो खरगोन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा बात कर रहे हैं शहीद मंदिर ये जो है कहां पर है तो यह आपका मुरैना में स्थित है नेक्स्ट स्टॉप का यहाँ पर आया था कि नेपा नगर पेपर मिल की स्थापना ये जो है कब हुआ था तो देखिए नेपा नगर पेपर मिल की जो स्थापना है ना ये 1947 में और कहाँ पर है तो बुरहानपुर में हुआ था तो 1947 आपका करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट स्टॉप का यहाँ पर आया था कि हिंडोला महल ये जो है कहाँ पर स्थित है तो ये आपका मांडू में स्थित है उसके बाद आया था कि जहाज महल ये जो है कहाँ पर स्थित है तो ये आपका मांडू में स्थित है नेक्स्ट स्टॉप का यहाँ पर आया था कि एक रीजनिंग से प्रश्न था कि एशिया अंटार्कटिका यूरोप दक्षिण अफ्रीका में ये जो है कौन सा अलग है तो देखिए मैं आपको बता दूं कि एशिया अंटार्कटिका और यूरोप ये तीनों जो है आपके महाद्वीप महाद्वीप हैं और दक्षिण अफ्रीका जो है एक देश है तो दक्षिण अफ्रीका जो है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट आपका यहाँ पर एक साइंस से प्रश्न आया था कि में भोजन को क्या कहते हैं तो देखिए में भोजन को जो है ये कायम कहा जाता है तो कायम आपका करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता था कि जिप्सम का जो सूत्र पूछा गया था तो देखिए जिप्सम का जो सूत्र होता है ना वो आपका क्या होता है तो सी एस ओ फोर डॉट टू एस टू होता है तो सी एस ओ फोर डॉट टू एस टू आपका करेक्ट आंसर होगा बात कर ले जिप्सम का रासायनिक नाम क्या होता है तो ये कैल्शियम सल्फेट होता है तो ये भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट पर आया था कि विटामिन बी की खोज ये जो है किसने की थी तो देखिए विटामिन बी और ए की जो खोज है ना ये आपका मैकुलम के द्वारा किया गया था तो मैकुलम आपका करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर आया था कि कोशिका के अधिक विभाजन होने से जो है कौन सी बीमारी होती है तो देखिए कोशिका के अधिक विभाजन होने से जो है आपका ल्यूकेमिया नामक बीमारी होता है तो ल्यूकेमिया नामक बीमारी आपका करेक्ट होगा नेक्स्ट आपका यहाँ पर थैलोफाइटा सहवाल से जो एक प्रश्न पूछा गया था नेक्स्ट आपका यहाँ पर पौधे में कौन सा हार्मोन नहीं पाया जाता है तो देखिए मैं आपको बता दूँ कि पौधे में मुख्यतः पाँच प्रमुख हार्मोन पाए जाते हैं वो पाँच प्रमुख हार्मोन कौन कौन से हैं तो ऑक्सीन साइटोकाइनिन जिब्रलिन एप्सेसिक और इथिलीन ये सब जो आपके पांच प्रमुख हार्मोन जो है ये पौधे में पाए जाते हैं तो इनमें से तीन तो ऑप्शन में दिया होगा चौथा जो भी नहीं दिया होगा ना वो आपका करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि एलपीजी गैस में गंध ये जो है किसके कारण आता है तो देखिए एलपीजी गैस में जो गंध है ना ये मिथाइल मर्केप्टन के कारण आता है तो मिथाइल मर्केप्टन आपका करेक्ट आंसर होगा तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% परसेंट रियल और ऑथेंटिक है तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा इसी तरह का रियल कंटेंट पाने के लिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक थैंक यू ऑल द बेस्ट